पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बाइक पर प्रेमी जोड़े का इश्किया स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें हाईवे पर एक लड़का बाइक चला रहा है और लड़की लड़के के आगे उसकी तरफ मुंह करके बैठी हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रहा है। दावा किया गया है कि वीडियो इंद्रपुरम कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है। वीडियो में दिख रहा है कि लड़का बाइक चला रहा है और टंकी पर बैठी लड़की उसके गले लगी हुई है और उन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है। बाइक सवार लड़का लड़की का मंगलवार रात का ये इश्किया स्टंट का वीडियो है। इसे एक कार सवार युवक ने अपने कैमरे में कैद किया था। अगर इस कपल को ये इश्कबाजी का स्टंट भारी पड़ गया और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 21,000 रुपये का इनका चालान काट दिया है। तो ये आप यूपी में देख सकते हैं कैसे हालात हो गए हैं कि लोग वायरल होने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, जबकि इस हाईवे पर चढ़ने से पहले ही लिखा हुआ है कि इस हाईवे पर स्टंट वगैरह करना मना है। तो ये लोग आप देख रहे हैं कितनी बेशर्मी से ये लोग, मतलब वायरल होने के लिए इनको कोई डर नहीं है, ना माँ का ना बाप का, कोई उनकी इज्जत की फिक्र नहीं है, बस इनको फेमस होना है। कोई इनकी वीडियो बना ले, कोई इनको वायरल कर दे, किसी तरीके से ये फेमस हो जाए, बस ये लोग यही चाहते हैं। ये नोएडा मेरठ एक्सप्रेस वे है, जिस प्रकार से ये लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं, अगर किसी गाड़ी वाले से इनसे इनकी टक्कर हो जाए या इनका कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो ये लोग, इनका पूरा परिवार इनको जो है कहेगा कि गाड़ी वाले की गलती है, बट हमेशा गाड़ी वाले की गलती नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का नंबर है। मैं नोएडा DM और मुख्यमंत्री UP योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा ऐसी चीज़ों पे रोक लगाएं, ताकि जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। जय हिंद, जय भारत।